मंदिर बने या मस्जिद, देश बने रहना चाहिए। पार्क के उस कोने में बैठे तीन बुजुर्गों के पास से गुजरते हुए एक बात कानों में पड़ी। किसी ने कहा था, मंदिर बने या मस्जिद, देश बने रहना चाहिए। यह बात दिमाग के गहरे बैठते चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट जब सबसे बड़ा फैसला सुनाने को तैयार है तो देश की धड़कने बढ़ गई हैं। इन धड़कनों की प्रतिध्वनि हर गली, नुक्कड़, बाजार, कार्यालय, घर, मोहल्ला, स्कूल, कॉलेज, पार्क और हर उस जगह सुनी जा सकती है जो कि हालात के प्रति संजीदा है। श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले जिसे करीब 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद सहज कर रख लिया गया था के सामने आने का इंतजार अब हर किसी को है। यह फैसला देश के इतिहास की ऐसी तारीख को होगा जिस पर भविष्य की नींव रखी जाएगी, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम, या सिख और ईसाई, या फिर किसी और धर्म का अनुयायी टकटकी लगाकर यह इंतजार कर रहा है कि आखिर अयोध्या में अब विवादित जगह पर घंटियां गूंजेंगी या फिर अजान में हाथ जुड़ेंगे। दरअसल यह फैसला किसी के भी हक में जाए, लेकिन एक आशंका देश को डरा रही है। भावनाओं के चरम पर पहुंचने वाला देश अक्सर देश के नियंत्रण खो देता है। इसके बाद घर जो होता है कि इतिहास में जिसके अनेक बार दर्ज हुआ है, अपना आत्मनियंत्रण तो नहीं खो देगा। अब इस बेचैनी की दवा भी तलाशी जा रही है। आम जनता, देश के राजनेता, बौद्धिक वर्ग, मीडिया और वे सब जो कि चाहते हैं कि देश अब इतनी परिपक्वता दिखाए कि दुनिया हमारी धार्मिक एकता और भाईचारे को सलाम करे, यह जत्न करने में जुटे हैं कि फैसला कोई भी आए, देश सर्वोपरि रहे और सभी उस फैसले का सम्मान करें। वास्तव में यह बेहद जरूरी है कि इस फैसले के जरिए देश की सर्वोच्च अदालत का रुतबा और उसकी न्यायिक दक्षता का ना केवल सम्मान हो, अपितु उसे दिल और दिमाग से स्वीकार भी किया जाए। परिवार के पुतले बनाने के लिए मुस्लिम कारीगर ही आगे आते हैं। दिवाली के दिए, मिठाई, कपड़े, सजावट और सामान रहमान भी बनाता है और राम निवास भी। लेकिन जब बात आस्था की आती है तो दोनों अपने अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों की ओर मुड़ जाते हैं। क्या यह नहीं हो सकता कि हम आस्था भी आधी आधी बांट लें, कहें जो मेरा है वह आपका भी है। बेशक यह कविता, कहानी और दर्शन शास्त्र की बातें समझी जाए, लेकिन जब दिमागों पर जमा अहंकार भी धूल साफ होगी तो ऐसा संभव नजर आएगा। अर्थप्रकाश समाचार पत्र समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सभी पक्षों से और समाज के प्रत्येक वर्ग से इसकी प्रार्थना करता है कि हम देश की एकता और अखंडता को कायम रखेंगे और फैसले के बाद किसी ऐसी बात या घटना का हिस्सा नहीं बनेंगे जो कि आपसी सौहार्द और शांति को नुकसान पहुंचाए। धन्यवाद सर। आज अयोध्या का फैसला आ रहा है, इसके बारे में कुछ आपका नाम क्या है वो जरा बताएं। मेरा नाम चरणजीत सिंह, मैं चेयरमैन हूँ चंडीगढ़ व्यापार मंडल का और दूसरा नॉमिनेटेड काउंसलर हूँ चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। आज एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला जिसका कि बड़े लंबे समय से इंतजार था वो आने जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट आज फैसला देने जा रही है। हम सबको जो भी फैसला आए उसको मानना चाहिए और हर हालत में शांति बनाए रखनी चाहिए। देश में सबसे जरूरी है कि एक जो एकता सबकी बनी रहे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हमें सब पे उस सबको उन पर विश्वास होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि बड़ा अच्छा ही फैसला आएगा जो सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। फालतू बात कहता हूँ ना, कुछ नहीं करना। आपका नाम क्या है? नरेश कुमार। फैसला के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी फैसला आए सबको मंजूर होना चाहिए और शांति बनाए रखे राष्ट्र हित में। आप किसकी संस्था के प्रधान है और क्या कुछ करते हैं? मेरा काम स्टील फ्रैक्चर का और मैं चंडीगढ़ पुलिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपका नाम क्या भैया? सन्नी कुमार। अयोध्या का फैसला आ रहा है, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर है, शांति बनाए रखनी चाहिए।
नाम क्या है? मेरा नाम गुरुदेव वालिया सर। अयोध्या का आज फैसला आ रहा है, इसके बारे में कुछ कह रहे थे? सर जो भी फैसला है जस्टिस देंगे हम, उससे संतुष्ट हैं। जो जैसा भी होगा हमें शांति बनाए रखनी चाहिए इसके मामले में, और गवर्नमेंट का पूरा सहयोग देना चाहिए। आपका नाम क्या भाई? सर मेरा नाम मनिंदर सिंह है। जो आज अयोध्या का फैसला आ रहा है इसके बारे में? जो फैसला आएगा सर वो हमें मंजूर है। जो आज भी फैसला, कोई भी फैसला आएगा, हमें इसके लिए शांति बनाए रखनी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।